सो वेलकम भाई लोग, फिर से एक न्यू अपडेट के साथ जो कि काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे। देखिए, जो कि हमने टीडीएम के अंदर सोलो में कैसे खेलना है या डुओ में, तो मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि आपने कैसे खेलना है और इसका खेलने का क्या तरीका कार है। और वहां पे आपने जैसे जो कि क्लिक करते हो सेटिंग पर, तो मैं आपको क्लियर बता देता हूं और वीडियो के एंड तक ज़रूर रहे। देखिए, अगर चैनल पर नहीं दोस्तों, तो इस तरह का हेल्पफुल कंटेंट हमेशा लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपका अगर यूनिक सा कमेंट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और अपना सिचुएशन पूछ सकते हैं। तो चले भाई, हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और वहाँ पे हम जो कि टीडीएम के अंदर क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे मान लें मैं टीडीएम जो कि सेलेक्ट किए वहाँ पे, उसके बाद आपने राइट साइड में जो कि ऑटो मैचिंग टीपीपी, तो वहाँ पर आप देख रहे ये सोलो का ऑप्शन है, लेकिन वहाँ पे हम जो कि इस पर क्लिक करते हैं तो सोलो पे नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता? देखिए, वहाँ पे मैंने सोलो पे रखा था, लेकिन फिर से वो जो कि सिक्वाट में आ गया। अभी डुओ में रखता हूँ, फिर चलते हैं वापस देखते हैं, फिर से सिक्वाट में आते और वहाँ पे ऑटो मैचिंग भी इसका बंद नहीं होता। देखिए, आप इस सिचुएशन में जो कि सोलो, तो टीडीएम के अंदर कैसे जो कि इसका जो आप चाहते हो कि जो कि नेट का जो मेरे साथ ज्वाइन हो, जैसे गेम में टीडीएम में होता है, तो इसी तरह ज्वाइन का ऑप्शन अब तक एनेबल नहीं है। और हाँ, अलबत्ता जो कि रूम कार्ड के थ्रू आप किसी के साथ जो कि सोलो में खेल सकते, डुओ में खेल सकते, और ये कि वहाँ पे जो कि ऑप्शन बिल्कुल जो कि दिया हुआ है, लेकिन ज्वाइन नहीं होता। ले ये एक ग्लिच है। ठीक है, तो इसमें और कोई ऐसा जो चीज़ नहीं है, जो आप रूम कार्ड लगा सकते। अगर आप रूम कार्ड लगाना चाहें तो भी मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पर आपने टीडीएम पर क्लिक करना है और राइट जो कि वहाँ पर सेटिंग के साथ रूम लगा हुआ है, रूम पर क्लिक करते हैं और वहाँ पर आप जो कि क्रिएट रूम करते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपने क्या करना है, जो अपना रूम कार्ड है वो आपने सेलेक्ट करना है, तो मैं जो चाहूँ सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो इसी तरह आप जो कि अपना फ्रेंड के साथ खेल सकते। तो आया पर वीडियो अच्छा लगा होगा, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।